जब ठंड थी तो एक ही साल पर स्टार्ट हो जाती थी। ये देखिए ये भी बंद हो रही है, भाई दिख भी नहीं रहा है, पूरा फॉग ही फॉग हो गया हुआ है। भाई आप लोग तो बैठे हुए रजाई के अंदर, लेकिन मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ किसी काम से और हेलमेट के अंदर से मुझे बिल्कुल बाहर नज़र ही नहीं। अब मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ भाई वाइज़र अपना ऊपर, क्योंकि ऐसा मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, तो थोड़ी सी आवाज़ आपको साफ नज़र नहीं सुनाई देगी। तो फिर से वाइज़र मैं साफ कर लेता हूँ। यार बड़ी मुश्किल हो रही थी बच्चों से, ये मेरा ब्लॉक शूट हो भी पाए गए हैं जी। फिर से मैं वाइजर बंद करके देखता हूँ पूरा तरह से अंदर। शेट, मुझे वाइजर साफ करना पड़ेगा 2 मिनट, अभी जाके मैं वाइजर साफ करता हूँ। थोड़ा यहाँ पर वाइजर साफ कर लेता हूँ। कितना ही साफ हो पाएगा, तो हाँ थोड़ा बहुत ठीक है। यस, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है अब। तो आज मैं ग्रेटर कैलाश वाली साइड से निकलूँगा, क्योंकि इस साइड तो हाईवे है, हाईवे में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, तो इस साइड से जाऊँगा, क्योंकि मुझे विजिबिलिटी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा आगे। कितना ही ज़्यादा से मेरे को 10 मीटर आगे नज़र आ रहा, उसके बाद मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो फॉग काफ़ी ज़्यादा है। अब मुझे नहीं पता कैमरे में वीडियो अच्छे से शूट होगी या नहीं होगी, तो इस वाले साइड से निकलता हूँ मैं। और यार बहुत मुश्किल है भाई, आज शूट करना मुश्किल है, वाइज़र ऊपर करना ही पड़ेगा मुझे। तो भाई थोड़ी आवाज़ आपको साफ़ नहीं आएगी, क्योंकि वाइज़र मैंने आज ऊपर किया हुआ है, क्योंकि बाहर फॉग काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से अंदर हेलमेट के बिल्कुल सा मतलब ड्यू आने लग गया हुआ है, जैसे मैं सांसें ले रहा ना उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अंदर पानी पानी हो गया हेलमेट के, तो मुझे वाइज़र बंद करना मुश्किल पड़ सकता है, तो इसलिए मैंने वाइज़र कर लिया है ऑफ। आप देख सकते हो ये नेशनल हाईवे का हाल है, आपको देख लो 15-20 मीटर से ज़्यादा आप देख नहीं सकते, और रोड का भी काम चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कहाँ पर क्या है करके, तो इसलिए थोड़ा सा यार संभल के चलना पड़ेगा। तो मुझे बताया कि आउटसाइड से नॉइज़ काफ़ी तेज़ होगी, तो अब क्या कर सकते हैं, वीडियो भी शूट करनी थी और सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ मैं शूट के लिए, तो आगे मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। मज़ा तो आ रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब किसी पहाड़ी एरिया में चल रहा हूँ मैं, हाथ में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, ये मैंने ग्लव्स डाले हैं, बाइक वाले नहीं हैं जिम वाले हैं, तो इसकी फिंगर जो ओपन है तो फिंगर्स में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। अब इस साइड से मेरे को लेना है राइट, तो भाई देखो यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, तो निकल लेते हैं पतली गली से। जैसे ही थोड़ा सा वाइज़र से पानी कम होता तो मैं वापस वाइज़र बंद कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, तो या तो मुझे अपनी आवाज़ काटनी पड़ेगी, म्यूज़िक लगाना पड़ेगा इसके पीछे, या फिर मुझे वाइज़र करना ही पड़ेगा ऑन। तो भाई आज मैं लेट हो चुका हूँ ट्यूशन के लिए, स्कूल आज ऑफ था, तो मैंने मॉर्निंग में ट्यूशन रखी थी, तो लेकिन ये भाई बहुत गलत डिसीज़न मेरे लिए रहा, क्योंकि एक तो इतना सुबह सुबह मैं उठा तैयार हुआ, और यहाँ पर देखो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई, तो वाइज़र बंद करने की कोशिश करता हूँ। ओ नो 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 नो, वाइज़र बंद नहीं हो सकता आज तो वाइज़र बंद नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको साउंड ज़रूर परेशान कर सकता है इस वीडियो में। तो दोस्तों जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला, तो सब्सक्राइबर उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब बढ़ ही नहीं रहे हैं, बहुत महीने में 3-4-5-6 ही आ रहे हैं, तो उसकी वजह एक भी हो सकती है, क्योंकि मेरी वीडियोस जो काफ़ी लेट लेट आ रही हैं, तो उसके वजह भी हो सकती है कि उस हिसाब से सब्सक्राइबर नहीं आ रहे जिस हिसाब से आना चाहिए था, लेकिन क्या करें, आप मुझे और भी काम ख़त्म करने पड़ते हैं, तो हार्डली मेरे को टाइम निकाल पड़ता है कि मैं वीडियो शूट करूँ एडिट करूँ, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है मेरे लिए ये, तो उसके बावजूद भी मैंने कंटिन्यू किया, हिम्मत नहीं हारी है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ, कौन सा एरिया है भाई ये ग्रेटर कैलाश ही हूँ अभी मैं, फुरा चौक पर होने वाला हूँ, और हाथ में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ पड़ रही है, बस ऐसे मेरे को ऐसा लग रहा है वाटर पेपर से होते हैं वो पड़ रहे हैं,
तो ये जैकेट मैंने दूसरी डाली, तो जैकेट में उसमें भी फट चुका है। मैं दिखा देता हूँ कैमरे के आगे, ये देखिए किस तरह से पानी पानी आ चुका है पूरे जैकेट के ऊपर। तो मतलब धुंध काफ़ी ज़्यादा है आज, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। यार ठंड में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है स्पेशली बाइक्स, मैं बार बार प्रॉब्लम आ रही, तो अब बाइक को दिखाना पड़ेगा मुझे, या तो उसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि उसके ना मीटर उसमें भी शो कर रहा है कि इंजन बनाया हुआ, और एक चीज़ ऐसे नज़र आ रहा है जो कि मतलब डेंजर का सिंबल था, तो अब दिखाना तो पड़ेगा ही भाई। आप लोग ले रहे होंगे घर में मज़े, तो भाई यहाँ पर तो मुझे थोड़ी सी मिल रही है सज़ा, इतनी ठंड में निकल गया। तो मेरे लिए तो बहुत ही गलत डिसीज़न रहा था ये, जो मैंने डिसीज़न लिया कि सुबह जाकर ट्यूशन पढ़ाऊँ, वो भाई फॉग देखो कितना ज़्यादा है, तो मज़ा भी आ रहा था लेकिन जो ठंड है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही, स्पेशली जो फिंगर्स में लग रही है ना वो बहुत दिक्कत कर रही है। देखो पूरा हाथ लाल हो चुका है मेरा, वो भाई हाथ मेरे गीले हो चुके, वो आप देख सकते हो हाथ मेरे गीले हो गए हुए हैं, ये देखो कितनी सारी ड्यू आप देख सकते कितनी पड़ रही है, पूरा हाथ गीला हो चुका, पानी आ चुका हुआ है हाथों में। मेटाडोर वाला हॉर्न दे रहा पास करने के लिए, लेकिन भाई मेरे को भी यहाँ से तेज़ी से निकलना है, आगे आ जाएगी हाईवे रोड। ओ यार, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा, आगे गाड़ियों के लाइट से ही पता लग रहा है, 15-20 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सामने हाईवे है लेकिन नज़र ही बिल्कुल नहीं आ रहा है, और इन मेटाडोर वाला हॉर्न दे दे के पागल उनके लग रहा है। तो जा भाई तू पहले चले जा, तो भाई कैमरे में वीडियो भी शूट मेरे को लग रहा है थोड़ा ब्लर ब्लर सी होगी, क्योंकि कैमरे के ऊपर भी मेरे को लग रहा है धुंध की वजह से पानी पानी हो गया होगा। चलो देखते हैं, जैसे भी शूट होएगी मैं डाल दूँगा। तो ये जम्मू की है आज पहली विंटर इस साल में, फॉग सॉरी विंटर तो काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन जो फॉग है ना फर्स्ट टाइम पड़ रही है जम्मू में, और ये पहली वीडियो डाल रहा हूँ मैं फॉग की। और भाई ये है नेशनल हाईवे, देखिए तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जगह जगह काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो मैं थोड़ा ओ भाई नहीं नहीं वाइज़र बिल्कुल गीला हो चुका भाई, इतना ज़्यादा गीला हो चुका ना पूरा अंदर तक पानी पानी हो गया हुआ है। अभी मैं कैमरा खोलूँगा ना आपको दिखाऊँगा कितना ज़्यादा पानी हो गया हुआ है। तो और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ ट्यूशन के लिए, तो क्या कर सकता हूँ भाई, वो बाइक ही स्टार्ट थी, मैं तो टाइम से पहले ही निकला था, मुझे पता थोड़ा शूट करना थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, मैं पहले ही निकल चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी बाइक टाइम पर स्टार्ट नहीं हुई, फिर मुझे अपना दूसरी बाइक पल्सर लेके आना पड़े, बाइक लेके आया फिर मैं। भाई क्या ठंड है यार, आज एक और जगह जाना था लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा खाना खाऊँगा और बैठ के अंदर ही पड़ा रहूँगा, आज नहीं बाहर निकलने वाला मैं भाई, इतनी ठंड में कहाँ जाना है भाई। तो भाई जैकेट भी मेरी थोड़ी थोड़ी गीली हो गई है, मेरे को महसूस हो रहा है कि थोड़ी भीग गई हुई है, तो भाई इस लेवल की धुंध में पहली बार देख रहा हूँ। मज़ा तो आ रहा है लेकिन जो हवा चल रही है ना बहुत बुरी लग रही है, तो यार हाथ काम नहीं कर रहे बिल्कुल, रेड रेड सी होगी सारी फिंगर्स। पूरी तरह से प्रगर देता हूँ, और रोड देखो कितनी गीली हो गई हुई है, ब्रेक मारूंगा तो पूरा स्लिप हो जाएगी भाई, देखो थोड़ा संभल के यहाँ से ब्रेक श्रेक मारनी पड़ेगी। तो भाई मैं थोड़ा जाके आगे जाके रुकने वाला हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं चलाई जा रही है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है फिंगर्स में। देखिए पूरे हाथ में ना लाल हो चुके हुए रुक जा। तो भाई मैं आगे जाके कैमरा वगैरह फोन उतारने वाला हूँ, क्योंकि तो आगे मेरे से चलेगी नहीं बाइक। भाई गलती हो गई, गलती कर दी सुबह से, बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक तो ग्लव्स मेरे को पूरे डालने चाहिए थे, ये ग्लव्स की वजह से मेरे को काफ़ी परेशानी हो रही है, और फेस पर भी इतनी ज़्यादा हवा लग रही है ना। तो भाई मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, देखो कितने सारे पानी आ गया हाथ में। तो गाइस इस टाइम हूँ मैं कालू चौक में, आप देख सकते हो धुंध कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है ये देखिए, और
यहाँ तो थोड़ी बहुत विजिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा ना, इस वजह से आप देख सकते हो थोड़ी विजिबिलिटी है, लेकिन जो आगे पीछे से मैं आया वहाँ काफ़ी ज़्यादा फॉग था। तो भाई ये फॉग नहीं भाई, मौसम ने तो कहर ढा दिया हुआ आज, इतनी ज़्यादा ठंड, वो अभी एकदम से भाई सोचा नहीं था। तो अभी भाई बाइक राइड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही। तो अभी मैंने यहाँ का शूट लिया, अभी मैं जाता हूँ कुजवानी चौक, वहाँ के भी आपको विजुअल्स दिखाता हूँ। तो ये है कुजवानी चौक, देखियो धुंध की वजह से यहाँ बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। तो ये देखिए पूरा दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए